खड़ी है यामाहा रेज हेड है, पर अभी तक शायद आपने इस तरीके की मॉडिफिकेशन यूट्यूब पर नहीं देखी होगी। एलईडी वाले मिरर जिसमें आपको दोनों साइड में इंडिकेटर मिलते हैं, वर्कमैन के बाद अब आप इसमें भी लगा दिया गया है। तो यहाँ पर हैंड गार्ड भी लगा दी, इसकी करेक्शन करना भी बाकी है, ये आगे पीछे कर सकते हो। हेलो एवरीवन, आई होप डूइंग एब्सोल्युटली फाइन गाइस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त लैब के लिए कौन है टॉपिक है कौन है वीडियो नाउ वॉचिंग योर माई यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा, आज के सिनेरियो में कवर करने वाले यामाहा रेजी पर मॉडिफिकेशन एंड एक्सेसरी। और इससे पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी यामाहा रेज एडार पर, इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी, सो चेकआउट कर लेना। और इस पर जो है ना बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट लिया गया है। अभी आपने स्टार्टिंग में देखा, इसमें ना जो वाइजर लगाया गया है, जो मिरर लगाए गए हैं, ये लगाए गए लुक लाइक वर्कमैन की तरह। तो इसमें कॉन्सेप्ट लिया गया वर्कमैन का। इसके अलावा इसमें हैंड गार्ड लगाए गए हैं जो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इसमें आपको दो लाइटें मिल जाती हैं, एक ब्लू जो चाबी ऑन पे और इंडिकेटर पे आपका येलो। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आपके पास स्कूटी कोई भी हो, सबकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी, सो चेकआउट कर लेना एंड सब्सक्राइब भी कर देना। सो गाइस, आज के सिनेरियो में आपको दिखाने वाला हूँ, आप देख सकते हो मेरे सामने खड़ी है यामाहा रेज हेड, और इस पर जो करने वाले हैं मॉडिफिकेशन काफ़ी अलग है, पर अभी तक शायद आपने इस तरीके की मॉडिफिकेशन यूट्यूब पर नहीं देखी होगी। सो गाइस, ये वाइजर है और इसमें लगा रखे हैं एलईडी वाले मिरर जिसमें आपको दोनों साइड में इंडिकेटर मिलते हैं। और ये कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा अभी तक वर्कमैन में लगा हुआ, और वर्कमैन के बाद अब आप देख सकते हो इसमें भी लगा दिया गया है। सो गाइस, ये जो कॉन्सेप्ट लिया गया है बिल्कुल डिफरेंट लिया गया है। आप चाहते तो ये वाले मिरर यहाँ भी लगा सकते थे, बट ये जो वाइजर है ये किसी और बाइक का है। और ये मिरर जो है ये आपने अबूमन देखे होंगे यामाहा R15 वगैरह पे, या आपने जो है निंजा वगैरह पे, तो ये इसको इस पे लगा दिया है जो काफ़ी अलग तरीके का है। इसके अलावा यहाँ पर हैंड गार्ड भी लगा दी, इसकी करेक्शन करना भी बाकी है, ये आगे पीछे कर सकते हो आप इसको मूव। सिमटेक के हज़ार इसमें लगा रहे हैं ये देखो, जिसमें आपको एक साल की गारंटी मिलती है, और 40-50 तरीके के डिज़ाइन में जो आपके इंडिकेटर हैं वो अलग अलग ब्लिंक करते हैं। बाकी सारे सिस्टम जो भी होंगे मैं आपको दिखाई दूंगा, तो पहले कर लेते कंप्लीट और फिर आपको दिखाते हैं फाइनल पे कि कैसा इसका लुक आता है। हेड की मॉडिफिकेशन हो चुकी है कंप्लीट, और ये जो है ये है 110 सीसी में। बाकी इसमें जो मॉडिफिकेशन की गई है काफ़ी अलग, काफ़ी रेयर है, और आपने इस तरीके की शायद ही देखी होगी। ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता आपने इस तरीके की वीडियो अभी तक देखी होंगी यूट्यूब पर। तो देरी ना करते हुए करता हूँ इसका इग्निशन ऑन, और आपको दिखाता हूँ लुक कैसा आ रहा है फ्रंट से। सो गाइस, आप देखते हो कुछ इस तरीके से आ रहा है देखो। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ इसमें लगाया गया है सिमटेक का हज़ार्ड, जो आप इसको ये वर्क कर रहे हैं इंडिकेटर, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सिमटेक का हज़ार्ड सिस्टम डाला हुआ है, और जिसमें आपको 40-50 तरीके के पैटर्न मिल जाते हैं। और पैटर्न को एक्टिवेट करने के लिए इस स्विच को आपको लेफ्ट राइट पीछे प्रेस करना है फास्ट फास्ट, तो जितनी बार आप करोगे उतनी बार इसके पैटर्न चेंज हो जाएंगे गाइस। और इसमें आपको एक साल की गारंटी भी मिल जाती है, तो ये आप देख सकते हो गाइस। और ये है एलईडी मिरर जिसमें आपको ड्यूअल साइड इंडिकेटर मिलता है, यानी कि इस तरफ तो इंडिकेटर है ही, बट इस साइड में इंडिकेटर है, ये देख सकते हो। यानी कि आपके सामने वाला राइडर और आपके पीछे वाला राइडर दोनों को पता चलता है कि गाड़ी ने किस साइड का इंडिकेटर दे रखा है, तो काफ़ी अलग चीज़ है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। और ये आप देख सकते हो दूर से, सेम मॉडिफिकेशन गाइस आप किसी भी एंटॉर्क पर, वर्कमैन पर, एक्टिवा पर, यानी कि किसी भी स्कूटी में आप ये सेम टू सेम मॉडिफिकेशन करा सकते हो, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और ये जो वाइजर लगाया गया ये बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट लिया गया है, और ये आप देख सकते हो। ज़्यादातर आपने ये ना उस पर देखा होगा वर्कमैन पर, वर्कमैन में बहुत ज़्यादा लगता है ये, लेकिन इस पर भी लगा दिया गया, और कोई इसमें टेंशन नहीं है, कहीं नहीं जा रहा देखो गाइस। यहाँ पर लगा रखी है गाइस हैंड गार्ड। सो गाइस, ये है हैंड गार्ड आप देख सकते हो, जिसमें चाबी ऑन पे ब्लू है, बाकी इंडिकेटर पे येलो है। ठीक है, अगर मैं इंडिकेटर दूंगा ना तो गाइस येलो वर्क करेगा, ये देख सकते हो। सिमटेक का हज़ार डाला था, साथ में डाले थे एलईडी बल्ब, इसका फोकस और ब्राइटनेस आप देख सकते हो कितना हैवी है देखो। अभी प्रॉपर नाइट नहीं है, जैसे नाइट हो जाएगा ना प्रो, जैसे जैसे रात होती रहेगी वैसे वैसे इसका फोकस और ब्राइटनेस बढ़ता रहेगा ऑटोमेटिकली, ये देख सकते हो गाइस। इसके अलावा ये हैंड गार्ड जो है ये आगे पीछे भी इसको आप कर सकते हो, प्लस इसमें आपको मिल जाती है कार्बन फिनिश जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लुक देती है, और ये कभी ख़राब नहीं होगी क्योंकि ये मशीन से लगी हुई होती है, ये देख सकते हो। और इसका बेसिकली एक वर्क ये भी होता है कि गलती से अगर बाइक गिरता है, गलती से अगर स्कूटी गिर भी जाती है, तो आपका क्लच और लीवर टूटते नहीं है, काफ़ी सेफ रहते हैं। सोया आप देख सकते हो यहाँ पर लगा रखी है हैंड ग्रिप, जिसमें आपको पाम रेस्ट मिल जाता है, ये आप देख सकते हो, और ये बहुत ही कम्फर्टेबल होती है, जिससे लॉन्ग राइड के समय में आप अपने हाथ को होल्ड कर सकते हो कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हो गाइस। और ये दोनों साइड में है, ये देख सकते हो, और यहाँ से कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है, ये देख सकते हो। अगर मैं इंडिकेटर दिखाऊँ यहाँ से पीछे से, तो ये देखो कुछ इस तरीके से वर्क करता है, ये देख सकते हो। बाकी इसके अलावा इसमें टूरिंग सीट भी लगा सकते हो, बाकी इसका जो है पूरा सेटअप आता है, एग्जॉस्ट भी लगा सकते हो, ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर, कि बहुत सारी वीडियो आपकी देखी होगी आपने मेरे चैनल पर, इसको देखकर आप इजीली वो सारी चीज़ें इसमें लगा सकते हो गाइस। सो गाइस, ये जो वीडियो थी यदि यामाहा रेजी 110 सीसी वाली, अगर आपके पास कोई और मॉडल है स्कूटी का, कोई भी हो, चाहे एरोक्स हो, एक्टिवा हो, वर्कमैन हो, एंटॉर्क हो, कोई भी हो, सब पर आप मॉडिफिकेशन करा सकते हो। ऐसी नहीं करा सकते तो आपके पास कोई कॉन्सेप्ट हो तो उस हिसाब से करा सकते हो। बाकी आप मेरे चैनल पर देखोगे ना तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप क्या क्या चीज़ें अपनी स्कूटी में लगा सकते हो। शॉप पर आना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस दे रखा है, सो चेकआउट कर लेना, सब्सक्राइब भी कर देना। तो मैंने तो आपसे विदा, मैं आपसे मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में किसी और बेहतरीन टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टिल देन गुड बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।